देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। काया 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 सब 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 ठीक है, रिलैक्स, कोई नहीं है, कोई नहीं है। मुझे चाहिए व्हाइट कर्टन्स एंड पिलोज। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पिलोज कर्टन्स। अरे आप सोए ने गुड नाइट तो अपने बहुत पहले बोल दिया था। गुड नाइट भी कोई स्लीपिंग पिल है जो बोलते ही नींद आ जाए? अच्छा, मतलब आपकी भी हालत मेरे जैसी हो रखी है। नया घर, नए घर की एक्साइटमेंट, इस एक्साइटमेंट में आपकी नींद ही गायब हो गई। हो सकता है। देखो दादी, मैं ना ये पेंटिंग लेके आई हूँ, इसको ना हम वॉल पे लगाएंगे। इसमें पेड़ है, पहाड़ है, बर्ड्स है, नदी है, नाव है, और ये सब तो प्राची को कितना अच्छा लगता है ना। तू भी ना झल्ली की झल्ली है, यहाँ मैं प्राची की बात कर रही हूँ और तू अपना ही राग आलाप रही है। प्राची घर आ जाए ना तो मुझे बता देना, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी माय यंग लेडी, अब क्या हो गया? आपको पता ही नहीं कि आपकी बेटी प्राची आ भी चुकी है। वो जो अपना सोने से पहले ब्यूटी रूटीन करती है ना, उसके लिए गई है वो। अरे ये बताएगा कौन मुझे? मैं उससे बात करने के लिए तो अभी तक जाग रही हूँ, मैं देख के आती हूँ उसे। ऐसे भी क्या बातें करनी है? खैर छोड़ो, मैं काम करती हूँ, अपनी लिस्ट तैयार कर लेती हूँ, वरना सब रह जाएगा। और क्या क्या चाहिए मुझे इस घर के लिए? प्राची, प्राची। दादी यहाँ हूँ मैं। दादी आप सोई नहीं अब तक? तुझसे मिले बिना मैं कैसे सो जाती? आइए आप यहाँ बैठिए पहले और मुझे सब कुछ बताइए, और सबसे पहले बताइए कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, बस थोड़ी सी थकावट है, उस सुबह जल्दी उठी थी ना इसलिए। दादी थैंक यू यहाँ आने के लिए, आपके बिना ना अजीब सा लग रहा था, अभी इतना अच्छा लग रहा है ना, आपकी बहुत याद आती थी, घर की बहुत याद आती थी। और सबसे ज्यादा ना ये मिस कर रही थी मैं आपकी गोद में सोना और आपकी ये प्यार वाली थपकी को। और यहाँ आने के बाद तो मुझे एक अलग ही खुशी मिली है, इतने सालों के बाद तुझे खुश देखा। क्या बताऊँ आपको दादी, खुशी है ही ऐसी, इतनी प्यारी सी है, सिर्फ नाम खुशी नहीं है उसका, सबकी जिंदगी में जैसे खुशियां लेकर आती है, मुस्कुराहट लेकर आती है वो। आज जब उसके साथ शॉपिंग करने गई थी ना, तो थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मैं, तो पता है उसने क्या किया? मुझे ऐसे बिठाया और कहा कि आप ना उदास मत हो, आपके चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती, आपके आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, आप स्माइल करते रहो। इतनी सी है पर ऐसी बातें करती, इतनी प्यारी है ना मेरी पंछी पंछी। खुशी इतनी प्यारी है, खुशी बहुत प्यारी। बेटा पंछी को बहुत मिस करती है। उसी की वजह से जैसे मैं सांसें ले झूठाती हूँ, उसी की वजह से जिंदा हूँ। एक पल नहीं गया है जब उसे याद नहीं किया होगा, उसके बारे में सोचा नहीं होगा मैंने। उसके जाने का दर्द ना जैसे दिल दिल में से छुपा के दबा के बैठी हूँ। अंशी के जाने के बाद जैसे मेरा सब कुछ चला गया। मैंने अपने आप को काम में इस कदर डुबा दिया क्योंकि जब जब उसे याद करती थी ना तो दिल टूटता था मेरा, मैं टूट जाती थी। इसीलिए मैंने काम को ही अपना बना ली कि मैं उसके बारे में सोचूं ही ना और दर्द ना हो। काम में डूब के मैंने अपने दिल को एक बेजान पत्थर बना दिया था, फिर अचानक से खुशी से मिली और उसके आने से मानो कि मेरी जिंदगी में सच में खुशी आ गई। खुशी इतनी प्यारी है कि मैं वो महसूस करने लगी जो इतने सालों में नहीं की। पर एक बात है,
खुशी से जितना मिलती हूँ उसके साथ होती हूँ तो पंछी के ना होने का दर्द और महसूस करती हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे। क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। राजी बेटा, अगर तेरी जिंदगी से ये दर्द हमेशा के लिए मिट जाए तो मतलब पंछी को खोने का जख्म अगर हमेशा तेरी जिंदगी से मिट जाए तो क्या कह रही हैं आप? कैसे दादी? बेटा किसी बच्ची को गोद ले ले, ले ले। तेरे जीवन की जो बेटी की कमी है ना वो एक बेटी ही पूरा कर सकती है। तो माँ बन जाएगी और तेरा ये अधूरापन हमेशा के लिए चला जाएगा। नहीं दादी, बात वो नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मेरा वो मतलब नहीं था। वैसे कोई कमी नहीं है, मतलब मैं अपने करियर में अच्छा कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, मेरे पास आज काफी कुछ है। आई नो और बहुत कुछ हासिल करना है। बेटा ये सारी चीजें तेरी जिंदगी का अधूरापन पूरा नहीं कर सकती। दिल पे पत्थर रख के जीना भी कोई जीना होता है? दिल भारी जिंदगी बोझ, इसे तू जीना कहती है? और तूने अपने आप को इतना काम में बिजी कर लिया है कि तुझे तो अपने आप का होश नहीं। नहीं बेटा, इसे जीना नहीं कहते। इसीलिए जो मैं कह रही हूं ना वो बात मान ले, एक बेटी को एडॉप्ट कर ले। ऐसे कैसे किसी को? राजी, खुशी को अपनी पंछी बना ले। तो यही मान लो कि मैं आपकी माँ जैसी हूँ। आप माँ जैसी नहीं हो, आप मामा जैसी हो, तो आप बन सकते हो वैसे मामा। हाँ बेटा, खुशी को अपनी पंछी बना ले। खुशी को मैंने देखा है कि तू उसे कितना प्यार करती है, और वो भी तुझे कितना प्यार करती है। तू उसे बेटी समझती है ना, और उसने भी तुझे माँ बोला है। बेटा जो मैं कह रही हूँ ना उसके बारे में सोच, अच्छे ठंडे दिमाग से सोच, और इसका जवाब तू मुझे मत देना, अपने आप को देना। पर दादी खुशी की ऑलरेडी एक माँ है। मैं जानती हूँ, लेकिन इसके बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे। अभी तो जो मैंने कहा है ना तुझे उसके बारे में सोच। तेरी जिंदगी, तेरा अधूरापन सब दूर हो जाएगा बेटा, मेरी बात मान ले। हाथ डालो। हाँ? अरे देख क्या रहे हो, हाथ डालो। तेल गरम था, पता नहीं था आपको? ध्यान क्यों नहीं रखा, ज्यादा देर जाता तो। झूठा जग रैन बसेरा। खुशी तो आपको मिल गई, मैं ही तो हूँ खुशी। मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। इतने सुंदर और महंगे कपड़े, क्या बात है। 3,000 है ना, मैंने मना किया था महंगे कपड़े मत दिलाओ, फिर भी देखो इतने सारे कपड़े दिलाए उन्होंने। पागल है क्या, जब देखो मनहूसों वाले बातें करती है। अरे भला उस औरत का जिसने तुझे इतने महंगे इतने सुंदर कपड़े दिलाए हैं, कोई दिलाता है आज के जमाने में? अरे कोई पोचे का कपड़ा भी ना मुफ्त में नहीं दिलाता। मैंने किए थे, मैंने अच्छे से झाड़ू लगा, उधर लगा, उधर साफ कर। एक बार भी बोला तूने कि मुझे दिला रहे हो तो मेरी माई को भी दिलाओ? नहीं। क्यों? अरे लड़ती ना उनसे, मांगती ना। पर माई ऐसे मांगना अच्छा नहीं लगता ना। क्या मांगना अच्छा नहीं लगता? जागीर थोड़ी मांग रही है, कपड़े ही तो मांग रही है। तेरी माई हूँ मैं, दुश्मन नहीं हूँ। तुझे कुछ मिलता है ना तो मेरे लिए भी लेकर आया कर। अच्छा इधर आ, जल्दी आना, मेहंदी लगी है क्या पैर में? ऊपर बैठ। अगली बार तुझे कोई कुछ दे तो ऐसे बोल कि मेरी माई के लिए भी दिलवा दो, मैं अपनी माई से बहुत प्यार करती हूँ, एक कपड़ा मेरी माई के लिए भी। पर अभी तो तू खाली हाथ आई है, अभी क्या करूँ? चल कोई नहीं, एक काम करते हैं,
इन कपड़ों को ना बेच देते हैं वापस उसी दुकान पे जहाँ से तू लेकर आई है। मुझे तू दुकान दिखा देना, ये कपड़े मैं बेच दूंगी और सारे पैसे वापस ले लूंगी। पर माई वापस क्यों कर रहे हैं? तुझे पहनने हैं, ये पहन के जाएगी फूल बेचने के लिए। एक कान के नीचे दूंगी मैं, तेरी माई जो तुझे देगी ना तुझे वो पहनना है। और ये कपड़े बेच के मैं अपने लिए साड़ी लूंगी अच्छी सी, मतलब माई ना पहने कुछ अच्छा, सिर्फ तू ही अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाए और बाकी पैसों से ये घर का ना सारा सामान आएगा। पर माई उन्होंने बहुत प्यार से तो लाया ये सब। ये प्यार ना दो कुटाई में सब यही निकल जाएगा तेरा। चल मुंह मत बना, एक कपड़ा तू भी रख ले। कौन सा चाहिए? ये वाला जल्दी बोल। चल रख ले, प्यार से दिया है। अच्छा सुन, कल सुबह तुझे जल्दी उठना है, मंदिर जाना है। किसके साथ? जूही की माँ के साथ। और ये सारे फूल बेच के आना। कल मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए। मैं भूल गई, फूल गिर गए, किसी को मुफ्त में दे दिया। अगर ऐसा कोई बहाना लेकर आई ना मुझे, कल रात का जो खाना खाएगी ना यहाँ पे वो नहीं मिलेगा। समझ में आया? चल अभी जल्दी सो, तुझे सुबह जल्दी उठना है। दौड़ के जा, भाग के आ, जा। आ, आ, गिर गई। खुशी खुशी ए, कुछ नहीं हुआ तुझे जो इतना रो रही है? क्या हुआ? माई दर्द हो रहा है। पर ये नाटक बंद कर और उठ। इतनी नाजुक बनेगी तो पेट कैसे पालेगी अपना? खड़ी हो, ये सारा सामान जो गिरा है ना इसको समेट और ढंग से रख। तुम्हें लगी तो नहीं? ये क्या हो गया है मुझे? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे खुशी ठीक नहीं है? क्या सच में मैं उससे जुड़ने लगी हूँ? मैं तो उसे ठीक से जानती भी नहीं, फिर क्यों वो बहुत अपनी लगती है, अपने से भी ज्यादा अपना हिस्सा लगती है? क्यों उसके होने से सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ कंप्लीट सा लगता है? ये क्या हो रहा है भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे आपकी याद आ रही है, माँ जैसी मम्मा। I miss you खुशी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है खुशी। ए, क्या बड़बड़ कर रही है? सो जा चुप करके, सुबह उठाऊंगी मैं तुझे, घसीट के नहीं उठी तो। थे आसमान के सितारे नैना। फूल, प्यारे प्यारे फूल, फूल ले लो, फूल फूल। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू बेटा, ये लो। क्या खुशी, तू सारा दिन फूल ही बेचती रहेगी? तो फिर मैं जाऊँ? बस थोड़ा टाइम और लगेगा, सिर्फ 5 ही फूल है। जब ये बिक जाएंगे ना तो मुझे मंदिर भी जाना है। अभी मुझे ना मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है, आप भी चलोगे प्लीज? बस माए गुस्सा करती हैं बस, नहीं तो मैं सुबह शाम मंदिर में ही बैठी रहूं। शायद इसलिए आज हम मंदिर आए हैं, वरना हमें तो गुरुद्वारा जाना था, तो तेरा मंदिर जाना रह ही जाता। बात एक ही है, सबने भगवान जी को अलग अलग नाम दिए हैं, पर है वो एक ही। जैसे बहुत से लोगों की भाषा अलग होती है ना, और एक ही चीज को सब अलग अलग बोलते हैं। मतलब जैसे पानी होता है ना, पानी को कोई जल, कोई नीर, कोई पानी, और बड़े वैज्ञानिक तो पानी को H2O कहते हैं। पर है तो पानी ना, और बुझाता तो प्यास ही है। हे भगवान, तुझे ये दादियों जैसे बातें बनाना सिखाता कौन है? शायद मेरी दादी ने सिखाई होगी मेरी माँ को। माँ को ऐसी ही कहानियाँ सुनाई होंगी दादी। आपको पता है, किसी के पेट में कोई था तो उसने चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया। महाभारत में था ना वो, कौन था? हाँ, अभिमन्यु। तो ऐसे ही ना पेट से बहुत कुछ सीख के आते हैं हम लोग, तो मैं भी सीख के आ गई अपनी दादी की कहानियों से। ये मम्मी से कहाँ चली गई?
मम्मी जी मम्मी जी क्या हुआ मम्मी जी अभी पूछो मत जल्दी से डॉक्टर अंकल को कॉल करो हाँ, आप आराम से पीछे होके बैठिए मैं अभी कॉल करती हूँ कुछ नहीं होगा आज पिटेगी ये मार खाएगी अपनी माई से सब कुछ छोड़ छाड़ के लोगों की मदद करने भाग जाती है अब क्या बोलूं इसकी माई को कि दुकान पर कोई नहीं है भाई तू मेरी बात नहीं समझ रहा यार ये दामिनी लिटरली दमन कर रही है मेरी लाइफ जिंदगी खराब कर रही है मेरी बर्बाद कर रही है मुझे दामिनी की बच्ची यार आर्यन बस मैं कब से सुन रहा हूँ दामिनी 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 मेरा दिमाग पक गया यार कम ऑन स्टॉप इट ये चैप्टर खत्म करना मैं खत्म ना हो जाऊं इससे पहले क्या प्रॉब्लम है अच्छे से बता तू मुझे प्रॉब्लम बता मैं तेरे को सॉल्यूशन बताऊंगा मेरी बात पर अच्छे से सुनना ओके सौ बात की एक बात पॉइंट टू पॉइंट मुझे दामिनी से शादी नहीं करनी अगर तूने दामिनी से शादी नहीं करनी थी तूने शादी के लिए हाँ क्यों बोला दर्शन ईगो पंगा जो भी कह ले पॉइंट पॉइंट की बात बोल पॉइंट समझाया ना मैंने तुझे मुझे दामिनी से शादी नहीं करनी है क्यों नहीं करनी दामिनी से शादी कैसे समझाऊं यार तुझे मुझे मुझे दामिनी के लिए 1% की फील नहीं आती क्योंकि मेरे भाई तेरे अंदर जो फीलिंग्स है ना वो फीलिंग्स है शाहाना के लिए है ना तेरे अंदर जो फीलिंग्स है ना वो फीलिंग्स है शाहाना के लिए शाहाना के लिए है ना इसलिए तो दामिनी से शादी नहीं करना चाहता ना बिकॉज यू फील फॉर शाहाना बे नहीं मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ यार कम ऑन यार तू सीरियसली मुझसे झूठ बोल रहा है कम ऑन आर्यन तू रात को नींद में शाहाना का नाम लेता है ब्रो और अब जब कन्फर्ट कर रहा हूँ तो तू छुपा रहा है मना कर रहा है शर्म कर मेरे सामने तो ऑनेस्ट रह सकता है ना तू यार मैं तुझे कैसे समझाऊं मैं मुझे कमरे में ले चल तबीयत ठीक नहीं है इनकी चल 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 आराम से इट्स ओके अरे ये डॉक्टर क्यों नहीं आया अब तक कब से फोन किया हुआ है आ जाना चाहिए था ना अब तक मैं करूँ एक बार कॉल नहीं नहीं वो आ ही रहे बस आप घबराओ मत मैं हूँ ना आपके साथ आप बस मन में ये बोलो कि मैं स्ट्रांग हूँ बहादुर हूँ फिर सब ठीक हो जाएगा तो मुस्कुरा क्यों रहा है अरे मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि मैंने उसको सुना ना तो अरे डॉक्टर थैंक यू थैंक गॉड आप आ गए आई एम सॉरी ट्रैफिक इतना था एंड सिग्नल्स बताइए क्या प्रॉब्लम ये मम्मी जी है मेरी मदर इन लॉ है मंदिर से बाहर आ रही थी अचानक से चक्कर आने लग गया और हार्ट में भी पेन हो रहा है प्लीज जरा देखिए डोंट वरी लेट मी चेक आपने क्या खाया था माजी आपने अब मेरे खाने के पीछे मत पड़ जाना मुश्किल से गिनी चुनी चीजें खाती हूँ आजकल मैं लेकिन जरूर कम खाया होगा क्योंकि आपको हार्ट अटैक नहीं बल्कि एसिडिटी है माइल्ड एसिडिटी ऐसे कैसे मुझे तकलीफ हो रही है कि आपको हो रही है डॉक्टर साहब मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा दिल है ना अभी उछल के ऐसे बाहर आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी मैं मानता हूँ आपका शरीर है लेकिन डॉक्टर मैं हूँ ना मैं कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं हुआ एक बार है ना ठीक से चेक करो मुझे कुछ न कुछ जरूर हुआ है दादी आपको सच्ची में कोई बीमारी चाहिए नहीं ना तो फिर डॉक्टर अंकल की बात मानो यहाँ दुनिया में भगवान जी का काम डॉक्टर अंकल ही करते हैं और
लोगों की जान भी बचाते हैं। तो आप तो इनकी बात मान ही नहीं रहे हो, अब मानोगे ना? हाँ हाँ, तो मानना ही पड़ेगा। अब हमारी दादी से बड़ी दादी तो यहाँ बैठ के बोल रही है। भाई ये इतनी क्यूट बच्ची कौन है? मैंने आज से पहले तो इसे यहाँ कभी नहीं देखा। मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। एक्चुअली डॉक्टर, इसी ने मम्मी जी की हेल्प की। मम्मी जी को यहाँ लाने में मेरी बहुत मदद की इसने। ये खुशी है। मतलब मेरा नाम खुशी है।